हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को पढ़ना समझना, देखते हैं क्या है सबसे पहले न्यूज़। तो बच्चे, सबसे पहले जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आपको देखने को मिलेगी, बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है, अंडमान निकोबार से रिलेटेड है। तो बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित गेलाथिया खाड़ी के नज़दीक, ठीक है, जो टर्म पहली बार आप लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो पहली बार आप लोग समझ रहे हैं, तो उसे आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। गेलाथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। अब यहाँ पे एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है। सबसे पहले तो याद रखना कि भारत में कितने पोर्ट हैं। अब देखिए, पोर्ट तो बहुत सारे हैं जो बड़े और छोटे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कितने हैं, तो टोटल जो है आपके 13 हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो अभी रीसेंट 13वां बंदरगाह इस लिस्ट में जुड़ा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। ये जो आपका पोर्ट है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका गेलाथिया खाड़ी में। अब भारत में किसी भी लोकेशन के बारे में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसी राज्य का है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। तो ये जो गेलाथिया खाड़ी है ये आता है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समीप, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप द्वीप पर स्थित है गेलाथिया खाड़ी, और यहीं पे जो है आपका ये पोर्ट बना हुआ है ICTP, ठीक है। ICTP इसका नाम है, शॉर्टकट में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ICTP के नाम से याद कर सकते हैं। तो ICTP भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप लोग नक्शे में इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका भारत है, भारत के पूर्वी तट में, पूर्वी पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा जो है आपका वाटर बॉडी है जिसे कि बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल में आपका इंडिया का सबसे बड़ा द्वीपीय यूनियन टेरिटरी है, ये है आपका अंडमान और निकोबार। लेकिन जब अंडमान और निकोबार को आप जूम करके देखेंगे तो अंडमान और निकोबार क्या है, एक द्वीप समूह है, इसमें बड़े छोटे द्वीप बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऊपर का हिस्सा इसका अंडमान कहलाता है, नीचे नीचे आएंगे तो यहां पर आपका कार निकोबार है, और जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है इसे जो है आपका ग्रेट निकोबार कहा जाता है। तो ये बच्चे जो आपका ये है ICTP, ये आपका कहाँ पे है, ये है ग्रेट निकोबार में, ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल सी रूट है ट्रेडिंग के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो जो है आपका यहीं से गुजरते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्ट होने वाला है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टैटिक GK बताऊंगी जो आपको याद रखना है। देखिए, कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल तट यानी कि चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु को तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट पर स्थित कामराज बंदरगाह को देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह नामित किया गया था इससे पहले, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने वाला है, उसका नाम है वधावन बंदरगाह, जो हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। तो वधावन बंदरगाह आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जो रिसेंट आपका 13वां प्रमुख बंदरगाह है भारत का, इसका नाम है ICTP, जो इससे पहले 12वां प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम क्या है, ये है आपका कामराजर, ठीक है, कामराजर है, जो कि कोरोमंडल तट पर है यानी कि तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। इतना बच्चे आपको बेसिक याद रखना है। अब पढ़ते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, देखिए, सबसे पहले ये जो गेलाथिया खाड़ी है इसमें स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग मार्ग पर स्थित है, जो कि सिंगापुर, क्लैंग, कोलंबो जैसे प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के करीब है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी लोकेशन है ये इंटरनेशनल जो सी रूट है उसके बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए बच्चे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आप लोग देखेंगे, ये आपका इंडिया है, इंडिया में आपका पूरब की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका गेलाथिया बे है, गेलाथिया खाड़ी है, और उसी में जो है आपका ICTP बना हुआ है, ठीक है। और ये जो आप रूट देख रहे हैं जो स्काई ब्लू कलर का है, ये आपका है इंटरनेशनल सी रूट, ठीक है, जो यहाँ से होकर के जाएगा, और यहाँ के बाद में आप लोग देखेंगे ये आपका श्रीलंका हो गया, कोलंबो हो गया, है ना, इधर की तरफ देखेंगे तो आपका क्लांग हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया। तो इन शहरों को, इन देशों को जोड़ने का काम करता है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला है
ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करते हैं, जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है उसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये मलक्का जल डमरू मध्य से केवल 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। वैश्विक समुद्री व्यापारों का लगभग 30% संभालने वाला ये जो आपका शिपिंग रूट है यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये आपके ग्रेट जो निकोबार द्वीप है उसके बारे में बात हो रही है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ये तो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो उत्तरी अंडमान है और जो आपका दक्षिणी निकोबार है इन दोनों को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम क्या है। तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपको स्टैटिक का पोर्शन याद रखना है बच्चे। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा ICTP की किसके अधिकार क्षेत्र में है, अंडमान निकोबार के अधिकार क्षेत्र में है। हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में जो आपका पैसिफिक ओशियन से जो सी रूट आता है सिंगापुर से होते हुए और कोलंबो तक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है जिसका फायदा अब हम उठा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस, इनका नाम याद रखेंगे पेड्रो सांचेस, भारत आएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में C-295 विमान संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। C-295 विमान, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये बच्चे विमान को बनाने वाला एक फैसिलिटी है, ठीक है, विमान को बनाने वाला एक संयंत्र है, प्लांट है, इसका उद्घाटन जो है भारत में किया जाएगा। और भारत में किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हालांकि न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई, हो चुका है ये पूरा का पूरा इवेंट। ठीक है, अब ये आपको मैं बताऊंगी जब आपको ये पूछा जाएगा कि जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत ये जो आपका संयंत्र बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बच्चे आपका वडोदरा यानी कि गुजरात में, वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस स्पेन के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर सेंटर बनाया जा रहा है, जो संयंत्र बनाया जा रहा है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए दो समूह जो है आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो इंडिया का है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम और दूसरा जो है आपका वो स्पेन का है। स्पेन का कौन सा है, एयरबस स्पेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दो कंपनियों के सहयोग से भारत में पहला C-295 ये जो आपका विमान है इसकी असेंबलिंग लाइन जो है आपकी बनाई जा रही है वडोदरा गुजरात में, और इसका उद्घाटन किया गया स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि C-295 क्या है, ये आपका एक विमान है। विमान किस तरीके का है, भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे एयरो 748 विमानों के बेड़े की जगह लेंगे। ठीक है, तो इंडियन जो आपका एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने नागरिक विमान हैं उनकी जगह लेने के लिए जो है आपका C-295 भारत के लिए चाहिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और कहाँ पे बन रही है असेंबलिंग लाइन, ये आपके वडोदरा गुजरात में बन रही है। अगला, अब हम स्पेन की बात कर रहे हैं तो स्पेन के बारे में थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है, अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे तो ये आपका स्पेन है। इसके जो बगल पड़ोसी देश हैं, इसके पश्चिम की तरफ आपका पुर्तगाल है, इसके उत्तर की तरफ आपका बे ऑफ बिस्के है, इसके दक्षिण की तरफ जो है आपका अल्बोरन सी है। ठीक है, इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो फ्रांस आता है, तो फ्रांस और पुर्तगाल से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो याद रखेंगे, ये है मैड्रिड। ठीक है, स्पेन की कैपिटल जो है आपकी मैड्रिड है, इतना ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा स्पेन के बारे में, स्पेन की कैपिटल आपकी मैड्रिड है, इसकी करेंसी यूरो है। स्पेन जो है आपका ये बॉर्डर बाय पुर्तगाल, एक तरफ जो है आपका पुर्तगाल से बाउंड्री बनाता है, दूसरी तरफ जो है आपका ये इससे दूसरी तरफ फ्रांस से आपका बाउंड्री बनाता है। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में, देखिए टू द नॉर्थ ईस्ट द बॉर्डर फ्रांस फ्रॉम विच इट इज़ सेपरेटेड बाय द टाइनी प्रिंस Principality of Andorra and by the Great Wall of the पेनिस माउंटेन। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा जो है आपका फ्रांस है, ये आपका जो है यहाँ पे स्पेन है। इन दोनों के बीच में जो है आपकी नेचुरल बाउंड्री है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपकी क्या है, बाउंड्री है। और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसे आपका पेनिस माउंटेन कहा जाता है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पे एंडोरा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एंडोरा किस किसके बीच में, तो एंडोरा जो है स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, और ये जो आपकी माउंटेन सीरीज है ये आपके किसके बीच में है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है।
अगला प्रश्न है आपका राजस्थान से। राजस्थान में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, डिजिटल बहिष्कार पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो आरटीआई संग्रहालय, यहाँ पर जितनी भी आरटीआई विषय आपकी दर्ज होती है ना, उस प्रकार की रिपोर्टों को आपका यहाँ पर संजो करके रखा जाएगा। तो याद रखिएगा आरटीआई संग्रहालय कहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया गया है, राजस्थान में इसका इनोग्रेशन किया गया है। आरटीआई आंदोलन के जन्मस्थल ब्यावर, इस जगह का नाम याद रखिएगा, ब्यावर जो है आपका राजस्थान में एक जगह है। ब्यावर में लोगों के सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, राजस्थान में एक जगह है ब्यावर, जहाँ से कि आरटीआई आंदोलन शुरू हुआ था, और वहीं पे उस ब्यावर नाम की जगह में आपका क्या किया गया, एक आरटीआई संग्रहालय म्यूजियम का इनोग्रेशन किया गया है, यानी कि म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। अब आरटीआई मूवमेंट यहाँ पे आपको चर्चाओं में आया है, तो इसके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आरटीआई आंदोलन की शुरुआत 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में 40 दिनों के धरने से हुई थी, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत की गई थी। ठीक है, तो जो आरटीआई एक्ट बचे आप लोग को 2005 में याद होगा ना, 2005 में आया था आरटीआई एक्ट, बेसिकली वो एकदम से नहीं आया था, वो किसी आंदोलन के बाद का रिजल्ट था। तो आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1996 से, और कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्यावर राजस्थान से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या याद रखेंगे, आंदोलन ने राजस्थान सरकार को 2000 में राज्य आरटीआई अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद संसद के द्वारा यानी कि सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा 2005 में आरटीआई अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये आपका बाद के डेवलपमेंट है। उसके अलावा भी आपको चीज़ें याद रखनी है, पहला आरटीआई कानून 1766 में स्वीडन के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में आरटीआई का विचार 1990 में पूर्व पीएम वीपी सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका आरटीआई शब्द है या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये किसके दिमाग की उपज है, ये है वीपी सिंह। ठीक है, तो वीपी सिंह के द्वारा ये आपका कॉन्सेप्ट दिया गया था भारत में। तमिलनाडु 1997 में आरटीआई कानून पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य था। ठीक है, किसी स्टेट में आरटीआई एक्ट जो है पहले से ही पारित हो गया था, वो था तमिलनाडु 1997 में। हालांकि पूरे देश के लिए जो आपका आरटीआई कानून बना है वो बाद में 2005 में बना है। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है, और इस आंदोलन के बारे में याद रखिएगा, ब्यावर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, और वहीं पे आज के डेट में यानी कि 2024 में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है। अगला बच्चे आपका अवार्ड से रिलेटेड है, एक एक्टर है, इनका नाम है दारा सिंह खुराना। ठीक है, इनका नाम है दारा सिंह खुराना, इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक्टर भी हैं, समाज सेवक भी हैं, बहुत एक्टिविस्ट भी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल, इनको इससे पहले बच्चे आपका राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है, और उन्होंने किस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो यह है आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में इन्होंने काम किया है। तो नाम देखिएगा, इनका नाम है दारा सिंह खुराना, और इन्होंने महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पेंशन नियामक पीएफआरडी, ये जो आपकी संस्था है बच्चे, ये जो अथॉरिटी है, ये हमारे देश में पेंशन रेगुलेटर है। ठीक है, जिन भी आपके जॉब में जहाँ जहाँ पे पेंशन दिया जाता है उसको रेगुलेट करने के जो है आपका ये संस्था है, ये अथॉरिटी है ना। तो ये जो पीएफआरडी है, इन्होंने चित्रा जय सिन्हा को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब यहाँ पर आपके दो दो चीज़ों का नाम आया है, एक आपका पेंशन नियामक है और दूसरा जो है आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में आपको याद रखना है, यह भारत सरकार के द्वारा सभी ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय की सुविधा के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। ठीक है, और एनपीएस 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के लिए शासी निकाय है, यानी कि इसी के द्वारा इसे चलाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये भी देखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रणाली क्या है आपका, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए क्या है आपका, एक तरीके से इनकम पोस्ट रिटायरमेंट है। ठीक है,
तो ये जो है आपकी एक स्कीम है जिसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन का कुछ हिस्सा जो है एनपीएस में सिस्टम में जाता है, साथ में जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है फिर किसी स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो जो है कुछ हिस्सा उनके उनकी सैलरी में जो है आपका कुछ परसेंट जो है हमेशा एनपीएस के लिए देती है हर महीने, है ना। बाकी जब वो व्यक्ति रिटायर होना चाहे तो रिटायरमेंट के समय में जो है उतना वो जो उसका पैसा बना होता है वो उसे मिल जाता है, ठीक है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो है उस पैसे को वो व्यक्ति अवेल कर सकता है, ठीक है। तो ये एनपीएस सिस्टम आपको याद रखना है, 2004 में ये लॉन्च हुआ था। अगला है बच्चे बैंकिंग से रिलेटेड, एक बैंक है एचएसबीसी। एचएसबीसी ने भारतीय मूल की पाम कोर को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। यहाँ पे भी आपका अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है लेकिन ये आपका बैंकिंग का है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है पाम कोर, ठीक है। अभी बच्चे भारतीय मूल के हैं, इंडियन ऑरिजिन के हैं पाम कोर, और इनको एचएसबीसी ने क्या किया है अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करके इतिहास रच दिया। बेसिकली क्या हुआ है कि जो आपकी पोस्ट होती है ना मुख्य वित्तीय अधिकारी, इस पोस्ट पर पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है और महिला जो अपॉइंट यहाँ पे हुई है वो इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों तरीके से आपको इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपका महिला को अपॉइंटमेंट मिली है, दूसरा जो है आपका पहली बार किसी भारतीय ओरिजिन की जो है इंडियन ओरिजिन की महिला को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एचएसबीसी के बारे में थोड़ा हम याद रखेंगे, तो एचएसबीसी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। ये एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1865 में हांगकांग में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम और काम दोनों ही जो है कंफ्यूज क्रिएट करने वाले हैं। नाम क्या है, हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। और कंपनी किसकी है, ये बैंक किसका है, ये जो है आपका ब्रिटिश, याद रखिएगा बच्चे, ये जो है आपका ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है, इसकी स्थापना हांगकांग में हुई थी 1865 में हुई थी। उसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यहां से बच्चे इसका पूरा फुल नेम याद रखेंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी या फिर कौन सा कंट्री जो है इसे ओन करता है वो भी याद रखेंगे, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए अब छोटी छोटी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। असम में एक जगह है, आप लोगों ने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा, कार्बी आंगलोंग, ठीक है। कार्बी आंगलोंग जो है यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रिक्ट है। इस कार्बी आंगलोंग जिले में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक पीवी सुविधा के विकास के लिए लगभग आप लोग देखेंगे 434 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये आपका जो जगह है बच्चे, ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है आपको क्या बनाया जाएगा, एक फोटोवोल्टिक सुविधा फैसिलिटी जो है आपकी बनाई जाएगी, और इसमें पैसा किसके द्वारा दिया जा रहा है, एडीबी के द्वारा दिया जा रहा है। अगला है, एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ये आपका बहुत बेसिक सा प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है, इसका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है 1966, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। अगली न्यूज़ है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी, इसका नाम है एनवीडिया के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में एनवीडिया AI समिट 2024 के दौरान इसकी घोषणा की गई। अब यहाँ पे याद रखने वाली दो बातें हैं, एक तो है कि एनवीडिया AI समिट कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका मुंबई 2024, ठीक है, ये हुआ है आपका मुंबई में। दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि जो एनवीडिया कंपनी है इसके साथ में किसके द्वारा समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। तीसरी बात कि किस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए भारत में ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और ये जो आपका एनवीडिया है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है। और ये जो एनवीडिया है इन्होंने अपना एक AI समिट भी किया था जो कि मुंबई में किया गया था। अगली छोटी खबर बच्चे ये है कि ADB को एक नया मेंबर मिल गया है, ठीक है। तो ADB का जो रिसेंट मेंबर बना है ये है आपका इसराइल। इसराइल एशियाई विकास बैंक का 69th मेंबर बन गया है। इसके बारे में अभी तो वैसे आपको बता ही चुके हैं कि 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, एक बार दोबारा से आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69th मेंबर बन गया है। अगला है,
वैश्विक ट्रैवल ऐप स्काई स्कैनर की नई ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में एक आपका कैपिटल सिटी है, कौन सा है, मेघालय। बच्चे मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, इसने क्या किया है, अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू उसको पीछे छोड़ दिया है। किस लिस्ट में पीछे छोड़ा है, सबसे अच्छा डेस्टिनेशन फॉर ट्रेवलर्स। ठीक है, तो जो आपके ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग आपका ये सामने आ रहा है, इस लिस्ट में जो है आपका ये जो आपका शिलोंग है ये पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर जो है अजरबैजान की कैपिटल जो है बाकू आई थी, इससे पहले जो है आपका बाकू पहले नंबर पर था। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा, अजरबैजान की ऐतिहासिक राजधानी बाकू को पीछे छोड़ते हुए जो है आपका शिलोंग पहले नंबर पे आ गया है। शिलोंग का निकनेम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, शिलोंग का निकनेम याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसे। इस रूप में जाने जाने वाला शिलोंग इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, और फिर जो है मलेशिया, मलेशिया में एक जगह है लंगकावी। ठीक है, ये जो है आपका तीसरे नंबर पे है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है या फिर जो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, उसमें आपका पहले नंबर पे आता है मेघालय का शिलोंग। ठीक है, मेघालय जो है भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, और इसके अतिरिक्त अगर आप लोग आरआरबीजेई की आरआरबीएलपी की प्रैक्टिस क्लासेस के लिए सोच रहे हैं, अगर आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया है प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो बच्चे मेक डिजी मैकेनिकल, मेक डिजी सिविल दोनों ही एप्लीकेशन पे आप लोगों को नॉन टेक के लिए, ठीक है, जो CBT 1 होगा आपका नॉन टेक के लिए कम्प्लीट प्रिपरेशन बैच मिल जाएगा। उसमें आपकी कम्प्लीट लाइव प्रैक्टिस जो है हमारे द्वारा करवाई जा रही है, और उसके अलावा अगर करंट अफेयर आपको रिवाइज करवाना है या फिर करना है तो उसके लिए चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपकी इसी समय पे YouTube पे ही आपकी फ्री में पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है पिछले 1.5 साल का, वो अलग अलग तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, और बाकी जो अपनी तरफ से आपकी जो तैयारी है उसे करते रहिएगा। चलिए फिर बच्चे, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।